खुदा तू महान परमेश्वर है। मैं प्रेयर करदा परमेश्वर अज एक बार फिर अपने लोगों के नाल परमेश्वर अद्भुत गल कर परमेश्वर अज तेरे गहरे भेतों नूं असीं सीख सकीए खुदावंद खुदा यीशु मसीह के नाम के परमेश्वर तेरा आत्मा सानूं छूए परमेश्वर तेरा वचन छूए परमेश्वर अज हर एक वह बीमार चंगा हो यीशु नाम विच तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक महामारी टले यीशु मसीह के नाम के परमेश्वर मैं प्रार्थना करदा परमेश्वर तेरे दास होने के नाते प्रभु अज हरेक दियाँ हिरदे दियाँ गल्लां कर परमेश्वर जो ज्ञान जो बुद्धि भरिया तेरा वचन असीं सीखन जा रहे परमेश्वर होण दिओ तेरे आत्मा मैं कंट्रोल मंगदा हाँ यीशु मसीह का नाम लैके मंगदा हाँ आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यीशु मसीह के नाम के एक बार फिर थोड़ा स्वागत आ सबनों जय मसीह दी प्रेज द लॉर्ड और अज दी इस दुपहर के वक्त असीं फिर खुदा की हजूरी दे विच इकट्ठे हाँ परमेश्वर का समर्थी वचन सुनने के लिए इस तो पहला कि असी खुदावन खुदा दे वचन शुरू करिए और मैं अज थोनों खुदा की हजूरी दे विच जोड़ना चाहना कि तुसी आत्मा के जरिए परमेश्वर के वचन तो आशीष पाओ हाले लुईया क्योंकि बाइबल दे विच लिखा होया आ कि जिहड़ा वचन आ वचन ही परमेश्वर आ वर्ड ऑफ गॉड गॉड आ हाले लुईया वर्ड ऑफ गॉड गॉड आ मतलब परमेश्वर का जिहड़ा वचन आ ओ ही परमेश्वर आ हाले लुईया तो साढ़े लिए बड़ी ही खुशी की गल आ कि असी परमेश्वर जिहड़ा वचन आ अपने घर बैठ के सीख रहे हैं सुन रहे हैं और अपने जीवन दे विच उन्हों लागू कर रहे हैं और वचन के द्वारा आशीष पा रहे हैं वचन के द्वारा छुटकारा पा रहे हैं वचन सानू होर स्ट्रोंग कर रहा है और मैं सोचता कि साढ़े बहुत ही अच्छी खबर आ बहुत ही अच्छी खबर आ साढ़े वास्ते कि असी वचन के द्वारा की पा रहे हैं बरकत पा रहे हैं छुटकारा पा रहे हैं टेस्टमनियां साड़ी लाइफ के आ रही हैं हाले लुईया तो ये सारिया चीज़ा परमेश्वर का वचन करने वाला आ और अज मैं परमेश्वर के वचन चो बड़े गहरे भेद थाना खोलन जा रहा हाँ तीन गलों के बारे असी गल कर जा रहे हैं मैं थोड़ा दस्या शुक्रवार की नाइट प्रेयर के कि मैं संडे नूं तुहाना तीन वचन खोलांगा और तीन गल्लां करन जा रहा मैं परमेश्वर के वचन चो नंबर एक जो असीं परमेश्वर के वचन के जाने हाँ मेरे ना कहौत जिहड़ा उहदा 29 अध्याय कहौत 29 अध्याय जो असीं बाइबल दे विचों खोलदे हाँ बड़े गौर दे नाल इहनूं असीं सुनना है जिहड़ा कहौत बड़ियां ज्ञानवान कहौत आ बाइबल दे विच लिखिया जिहड़ा बुद्धिमान राजा सुलेमान सेगा उन्हें बुद्धि की डिमांड की परमेश्वर के कोलों ज्ञान की डिमांड की परमेश्वर के कोलों कि परमेश्वर मैं कुछ नहीं चाहिए मैं जिहड़ा तेरा दास दाऊद आदा राज जिहड़ा इन्ना बढ़ चुका आ उन्हूं संभालने के वास्ते मैं बुद्धि चाहिए आ मैं समझ चाहिए मैं ज्ञान चाहिए आ तो बाइबल दे विच लिखा आ कि जिहड़ियां कहौत बड़ियां सानूं ज्ञान दिंदियां किन्ने लोग इस गल नूं समझदे आ जां नहीं समझदे पर मैं तुहानूं दसना चाहना है कि जिहड़ा कहौत आ जिहड़ियां कहौत आ ओह सानूं परमेश्वर दे वचन दा ज्ञान प्रदान करदियां बुद्धि प्रदान करदियां नाट केवल साडी परसनल लाइफ दे विच साडी घर दी लाइफ दे विच साडी परिवारिक लाइफ दे विच फैमिली दे विच साडे समाज दे विच और साडे पूरे देश दे विच साडे कह सकते हैं अवर साडी जिहड़ी अपनी सोच आ अपने साडे विचार आ जां अपनी साडे थॉट्स आ उहनां दे विच वी साडी मदद करदे आ सही फैसला लैण दे विच परमेश्वर दे जिहड़े वचन आ साडी मदद करदे आ तुसीं सही चोण कर सको राइट चोण कर सको हाले लुईया और इत्थे जो असीं इहदा 29 अध्याय कहौतां दा पढ़दे हाँ और 29 वर्ड्स 18 आयत जो असीं देखते हाँ इत्थे लिखिया आ जिथे दर्शन नहीं उत्थे लोग बेमुहारे हो जाते हैं हाले लुईया बड़ा समर्थी वचन कि जिथे दर्शन नहीं उत्थे लोग बेमुहारे हो जाते जिथे तुहाडी लाइफ दे विच दर्शन नहीं नंबर एक जो नंबर पहला पॉइंट आ ओ दर्शन आ और साडी लाइफ दे विच जिहड़ा दर्शन आ ओ किवें जन्म लैंदा आ आमेन और दर्शन नूं असीं किवें रिसीव करदे आ ये दर्शन जिहड़ा आ केवल ऐसे लई नहीं आंदा ऐसे लई नहीं असीं देखदे कि दर्शन दे द्वारा असीं लोकां दे भविष्य नूं देख सकीए जां आउण वालियां जिहड़ियां परमेश्वर दीयां योजनावां उहनां नूं देख सकीए जां परमेश्वर साडी लाइफ दे विच की
सोच रहा जा रख रहा उन्होंने उत्ते असी विचार कर सकी। दर्शन जिहड़ा आ साडी परसनल लाइफ का हो सकता, परमेश्वर की सेवकाई का हो सकता, परमेश्वर के राज का हो सकता, परमेश्वर की धार्मिकता का हो सकता। दर्शन बहुत प्रकार का आ, पर मैं जो अज तुहानू दर्शन के बारे दसन जा रहा, जिथे दर्शन नहीं उत्थे लोग जिहड़े आ ਉਹ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੈਡ ਆ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਫੁੱਲਫਿਲ ਰਹਿਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਵਿਜ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਨਗੇ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ, ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਕਿ ਕੋਈ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਧੁੰਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਡ, ਲਾਈਫ ਖਤਮ, ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂ, ਬਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਡਿੱਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਾ ਲਈਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓਗੇ, ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਅੱਜ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖੋ, ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ, ਬੁਲਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਂ। ਆਮੈਨ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰੇਕ ਜਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਆ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੋਂਗ ਥਿੰਗ ਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰੇਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਬਾਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਆਮੈਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
खुदा दा आत्मा उस समय तुहाडे नाल रहिंदा, खुदा दी हजूरी तुहाडे नाल रहिंदी आ, जिहड़े लोग दर्शन दे नाल भरदे आ। आमीन। और सैकंड गल बड़े ध्यान दे नाल सुनना, सैकंड गल समर्पण। दूसरी जिहड़ी गल आ, जिहड़ियां मैं तीन गल्लां दे विचों दूसरा पॉइंट जो मैं तुहानूं दस रहा हाँ, समर्पण। डिपेंडिंग रहना, फुल पूरे तरीके दे नाल, पूरे तरीके दे नाल समर्पण हो जाना। हाले लुईया। और बहुत सारे लोग जिहड़े आ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਮਰਪਣ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੱਟਦੇ, ਬਲਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਗੂਏ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਮਰਪਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਣ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ, ਹਰੇਕ ਜਵਾਨ, ਹਰੇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਈ ਐਮ ਨਥਿੰਗ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਓ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਮੈਂ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੂਸਸ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਮੇਨ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੇ ਦਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਵਚਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਬੋਝ ਰੱਖਿਆ। ਆਮੇਨ। ਉਹਨੇ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਸਮਰਪਣ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰਾਉਨ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰਾਉਨ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਕ ਚੈਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬਿਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਵਾਪਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਣ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇ ਲੋਈਆ। ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੂਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਰਪਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਸਮਰਪਣ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਨਾਟ ਕੇ ਡਬਲ ਡਬਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਮਰਪਣ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਸਮਰਪਣ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਲੁਈਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਲੁਈਆ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਰਗੇਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇ ਲੁਈਆ। ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਲੈਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ 3 ਥਿੰਗਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨੰਬਰ 1 ਦਰਸ਼ਨ, ਨੰਬਰ 2 ਸਮਰਪਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਦਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
यीशु मसीह के नाम दे विच। देखो यीशु मसीह दे कोल एक टारगेट सीगा कि मैं खुदा दी बादशाही दा जिहड़ा बोलबाला जां उहदे राज नूं मैं वधाउण दे लई मैं सलीब तक जान देनी आ। यीशु मसीह दा टारगेट सीगा क्योंकि उन्हें दर्शन देखा होया सीगा। यीशु दा एक दर्शन सीगा कि मैं लोकां नूं बचावां। तो यीशु मसीह दा टारगेट सीगा, यीशु मसीह समर्पण हो गए, यीशु मसीह पूरे तरीके दे नाल समर्पण हो गए। ना केवल वो अपने जवानी दी अभिलाषा नूं, मतलब शरीर दी अभिलाषा नूं, आत्मा दी अभिलाषा नूं और हरेक दुख नूं, हरेक कष्ट नूं, हरेक दर्द नूं उन्हें परमेश्वर दे प्लैन दे सामने समर्पण कर दिता सीगा। इसे लई वह सलीब तक वफादार रहा, अपने जीवन दे आखिरी साह तक वफादार रहा। अज किन्ने लोग जिहड़े आ दर्शन नूं लैके समर्पण रखना चाहुंदे आ और परमेश्वर दे नाल जीवन दे आखिरी साह तक वफादारी निभाना चाहुंदे आ। एक गल याद रखना, जिहड़े लोग आमीन लिख रहे आ जां आमीन बोल रहे आ जां अपनियां जगावां ते आमीन कह रहे आ कि मैं तैयार हाँ, मैं भी तैयार हाँ, एक गल जरूर याद रखना कि जो तुसीं दर्शन देखोगे और सैकंड गल तुसीं समर्पण करोगे तुहाडे अंदर एक टारगेट आएगा, उस टारगेट तक पहुँचण दे लई थोड़ा जिहा दुख सहना पाएगा, थोड़ा जिहा कष्ट सहना पाएगा। बाइबल च लिखा जो मेरे पिछे आना चाहता अपना क्रूज चके ते मेरे पिछे हो तुरे। हालेलुया। पर जरूरी नहीं कि वह कष्ट थानू कल्या नू सहना पवे, यीशु थोड़े नाल होवेगा। यीशु ने कहा मैं थोड़े नाल होवांगा, दुख दे वेले मैं थोड़े नाल होवांगा, प्रीख्या दे वेले मैं थोड़े नाल होवांगा, अजमाइश दे वेले मैं थोड़े नाल होवांगा, हर बोझ दे थले तुसी जदों आओगे मैं उस समय थोड़े नाल होवांगा। परमेश्वर तुहानू कल्या नू नहीं जंग लड़न लई कह रहा, परमेश्वर ने कहा आई एम विथ यू ऑल द टाइम। हालेलुया। मैं थोड़े नाल आ हर वक्त हर वेले, मैनू महसूस करो मैं थोड़े लिए दरवाजे खोल लिया आया, मैं थोनों शक्ति दे रहा हाँ। आमेन। बाइबल दे विच लिखिया यीशु मसीह को टारगेट सी सलीब तक वफादारी दिखानी। आमेन। थोड़ा टारगेट आ जीवन दे आखिरी साह तक परमेश्वर दे नाल वफादार रहना, परमेश्वर दे नाल वफादारी दिखानी, वचन नूं तोड़ना नहीं, वचन दे उत्ते डिपेंड रहना, यीशु मसीह दे उत्ते डिपेंड रहना, हर समस्या दे विच अपने आप नूं रेडी रखना, हर प्रीख्या दे विच अपने आप नूं रेडी रखना, हर दुख दे विच अपने आप नूं रेडी रखना, हर खुशी दी गल दे विच अपने आप नूं रेडी रखना, हर धन दौलत दी बरकत दे विच अपने आप नूं रेडी रखना, हर एक धियां पुत्रां दी बरकत दे विच अपने आप नूं रेडी रखना, हर एक गुड न्यूज़ दे विच, हर एक बैड न्यूज़ दे विच अपने आप नूं रेडी रखना। इहनूं असीं पूरा समर्पण कहने आ क्योंकि यसू अपनियां ख्यालां विच, अपनी सोचां विच, अपने शरीर दे विच, अपनी आत्मा दे विच हर पक्षों उन्हें पूरी तरीके नाल समर्पण दिखाया। और ऐ ना सोचो कि तुसी किसी होर वर्गे होना आ, तुसी यसू दे वर्गे होना आ। यीशु ने कहा जिद्दां दा मैं आ उद्दां दा तुसी भी होवोगे, जिथे मैं आ उत्थे तुसी भी होवोगे, जो मैं करदा आ तुसी मेरे तो भी वड्डियां वड्डियां इमारतां नूं, वड्डे वड्डे कम्मां नूं तुसी अपने हत्थां नाल, अपनी शक्ति दे नाल, अपनी समर्थ दे नाल तुसी करोगे, क्योंकि आई एम विथ यू, मैं तुहाडे नाल आ ऑल द टाइम। हालेलुया। मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर्स, अज परमेश्वर थोड़े नाल आ और नाल मैं परमेश्वर का वचन सुना रहा और मैं नाल एक भविष्यवाणी करन जा रहा। जिहड़े लोग जॉब करते आ, चाहे वह प्राइवेट जॉब चाहे वह सरकारी जॉब, जिहड़े लोग जॉब करते आने वाले थोड़े समय के उन्होंने प्रमोशन होने जा रही है। मैं देख रहा आत्मा दे विच खुदा तुहानू प्रमोशन के नाल ब्लस कर रहा आ, तुसी कामयाब होने जा रहे हो यीशु दे नाम विच। मैं भविष्यवाणी करदा और खुदा दे सामर्थी नाम दे विच मैं हाथ वधाना थोड़े आल खुदा बरकत देन जा रहा। ये बरकत जड़ी है तुसी रिसीव करो ताकि तुसी कामयाब हो सको। ये जड़ियां दो गल्लां मैं थोनू सिखा रहा हाँ, ये समर्पण दियाँ, समर्पण दियाँ, दर्शन दियाँ, दर्शन ना भरे रहो। कई लोग की करते सुपना देखते आ तो उस सुपने नू देख के कहिंदे आ मैं दर्शन देखिया। नहीं, दर्शन ते सुपने दे विच की अंतर हुंदा आ? सुपने दे विच दो प्रकार दियाँ गल्लां जुड़ियां होंदियां, ध्यान नाल सुनना। सुपने दे विच दो प्रकार दियां गल्लां जुड़ियां होंदियां आ, दो काल जुड़े होंदे आ, दो कह सकदे आ समय जुड़े होंदे आ, दो समय जुड़े होंदे आ। एक समा जिहड़ा तुसीं अपनी जिंदगी दे विच गुजार चुके हो, तुसीं कित्थे गए सी, तुसीं किन्ने पाप किते, किन्ने धर्म दे काम किते, तुसीं की सेवा दे विच भेंट दित्ती, तुसीं की अपनी लाइफ दे विच बोलिया, तुसी किनू बुरा बोलिया, तुसी किनू अच्छा बोलिया,
तुसी की खादा, तुसी की पीता, जा तुसी की खुदा दे भवन दे लई सेवा कीती, जा तुसी अपने परिवार दे विच किवें अपनी जीवन नूं गुजारिया, जिहड़ा समां तुसी बिता चुके हो ओह हरेक दे कोल आ। आ जिहड़े लाइव भी आ, जिहड़े नहीं भी लाइव, जिहड़े बाद च वी सुणन वाले आ, उहनां दी लाइफ दे विच वी बाइबल दे विच लिखिआ असीं सारे दे सारे ये जीवन गुजार चुके हाँ, ये जिहड़ा जीवन आ असीं गुजार चुके हाँ, ते हरेक दे कोल ये जीवन जिहड़ा मौजूद आ जो असीं भी पिछला जीवन आ। मैं ध्यान फिर तुहानू याद कराना चाहना ताकि तुसीं कदे भी भुलेखे च ना रहो, भुलो ना। जे तुसीं अज सिख लिया तां जिंदगी दे विच ईवल स्पिरिट दुष्ट आत्मा तुहानू प्रमाणगियां नहीं, तुहाडा दर्शन साफ हो जाएगा, क्लीयर हो जाएगा यीशु मसीह दे नाम दे विच। जिन्हां दा दर्शन भद्दा आ जां धुंधला आ वह कदे क्लीयर नहीं देख पाणगे, उहनां नू जिंदगी दा रस्ता नहीं पता लगेगा कि मैं करना की अगे। कई सारिया सिस्टर, कई सारे ब्रदर मैनू आके कहिंदे आ पास्टर जी सानू समझ नहीं लगता असीं करिए की। उस समय पवित्र आत्मा उन्होंने सिखाता फिर, क्योंकि तुहाडा दर्शन क्लीयर होना चाहिए, तुहाडा समर्पण सही होना चाहिए। दोनों का दर्शन और समर्पण क्लीयर हुंदा आ, पूरे तरीके नाल हुंदा आ, तद तुसीं जिंदगी च कदे धोखा नहीं खावोगे। नंबर एक, साडा जिहड़ा सुपने दे विच दो तरह दीआं गल्लां आउंदीआं, सुपना और दर्शन दे विच अंतर की आ मैं तुहानूं दसना चाहुंदा। सुपने दे विच असीं अपने पास्ट नूं देखदे आ, अपने आने वाले कल नूं देखदे आ, दो तरह दीआं गल्लां, फ्यूचर नूं और पास्ट नूं, और असीं प्रेजेंट सुपने दे विच नहीं देख सकते। बड़े ध्यान नाल सुनना, जिहड़ा प्रेजेंट समां आ उहनूं असीं सुपने दे विच नहीं देख सकते। असीं सुपने दे विच की देख सकते हाँ, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट अते फ्यूचर असी दो चीज़ां सुपने दे विच देख सकते हाँ, और दर्शन दे विच केवल असी आने वाला भविख देख सकते हाँ। आमेन। दर्शन ते सुपने दे अंदर यह अंतर हुंदा आ कि दर्शन केवल केड़ा हुंदा आ, आने वाला भविख, आने वाला समा, आने वाला वर्तमान समा, आने वाला फ्यूचर थोड़ा तुसीं अपने दर्शन दे विच देख सकते हो। नाट केवल तुसीं अपना, जो असीं इक टारगेट बनाने हाँ उहदा मतलब असीं दर्शन देख लिया आ। जो असीं इक टारगेट रखते हाँ कि मैं इस चीज़ नूं रिसीव करना आ, मैं इस चीज़ नूं रिसीव करना आ। यकूब ने परमेश्वर दे कोल बरकत लई ते उहने स्वर्गदूत नूं उहदी लत्त नूं फड़ लिया। बाइबल दे विच लिखिया यकूब ने उहनूं उदों तक नहीं छड्डिया जदों तक स्वर्गदूत ने उहनूं बरकत नहीं दे दित्ती। कहिण दा मतलब कि जदों तक तुहाडा टारगेट पूरा नहीं हो जांदा, पिछा नहीं हटना यीशु दे नाम दे विच। जे तुसीं पिछा नहीं हटदे तां तुहाडा टारगेट तुहाडे होर करीब आएगा। जे तुसीं होर मेहनत करोगे तुहाडा टारगेट होर करीब आएगा, और जे तुसीं होर ज़्यादा मेहनत करोगे, ज़्यादा परमेश्वर के समर्पण करोगे तो तुहाडा टारगेट होर तुहाडे करीब आएगा। यीशु दे नाम में तुहाडा टारगेट जल्दी तुहाडे तक पहुँचेगा। आमेन। ते साडे अंदर होना चाहिए। सुपने दे विच दो काल जुड़े हुए हैं, पर दर्शन दे विच सिर्फ आने वाला जिहड़ा भविष्य आ वह जुड़िया होया आ। जदों असीं देखते हाँ जिहड़ा संत पौलुस सी परमेश्वर के लिए समर्पण सी, यीशु मसीह परमेश्वर के लिए समर्पण सीगा, और असी देखते हाँ मूसा परमेश्वर के लिए समर्पण सीगा, इतों तक कि जुनाह नबी जदों उन्हों परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा उन्हों वो गल्लां कीतियां, उन्हें भी एक दर्शन के अकॉर्डिंग अपने जीवन में समर्पण किया, तो वह उस शहर में गया नीनवा जिथे पाप से गुनाह सीगा, तो उन्होंने जाके उन्होंने छुड़ाया। बड़े ध्यान नाल सुनना, और असी जो समर्पण की गल करते हाँ, असी जो मत्ती एक सॉरी पहला असी लूका दे विचों पढ़ांगे, लूका एक अध्याय ते उहदी 38 आयत जो बाइबल दे विच लिखते हैं, लूक चैप्टर 1:38 जो असी देखते हाँ, लूक दे विचों जो असी पढ़ते हाँ, बड़ा सामर्थी वचन है ये। बाइबल दे विचों मैं चाहना कि मैं पढ़ा, तो तुसी इस वचन बड़े ही ध्यान दे नाल सुन के अपने जीवन नू इस दे नाल टच कर सको। हालेलुया। इधर लिखा आ जो असी बाइबल दे विच परमेश्वर दे वचन दे द्वारा सीखना शुरू करते हैं, 38 आयत मैं पढ़ांगे, और इतने लिखा आ तो मरियम ने कहा वेख मैं प्रभु दी बांदी हाँ, मेरे नाल तेरे आखे दे अनुसार होवे।
मरियम ने समर्पण दिखाया। मरियम कह सकती सी, नहीं 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 नहीं, मैं कुआरी हाँ, मेरी कुड़माई हुई है यूसुफ दे नाल, मैं गर्भवती पाई गई हाँ, ते मैं ये गल जड़ी आ नहीं सुन सकती। स्वर्गदूत दे अगे हजारा सवाल उठा सकती सी, बट उन्हें नहीं, उन्हें क्या, मैं तेरी बंदी हाँ। उन्हें अपने जीवन समर्पण कर दिता, उन्हें क्या, मैं नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हाँ, जो मेरे गर्भ दे विच है पवित्र आत्मा दे विच नाल आ, ते मैं उदे वास्ते तैयार हाँ। खुदावन दे लोको, अज सोच के देखो, ये सब तो बड़ी और कठिन गल सी जिहड़ी परमेश्वर ने मरियम दे नाल कीती, ते मरियम ने उन्हूं एक्सैप्ट किया, ते मरियम उस तरह कहिंदी कि मैं तेरे अगे समर्पण आ, जिवें तुहाडी इच्छा उवें करो। हालेलुया। साडा दर्शन जदों क्लीयर हुंदा, साडा पूरा समर्पण हुंदा, ते असी एवरीथिंग सब कुछ अगुए दे सामने, असी परमेश्वर दे सामने, प्रभु दे वचन दे सामने ये कहने कि जिवें तुहाडी इच्छा उवें होवे, जिवें तुसी चाहुंदे हो उवें होवे, जिवें यीशु मसीह ने कहा दुख का प्याला मैं तो हटा लै, पर परमेश्वर जिवें तू चाहना उवें होवे। आमेन। जिवें परमेश्वर चाहता साड़ी लाइफ च उदा होना चाहिए आ, वो किवें होवेगा जदों असी अपने मूँह तो कहांगे असी समर्पण करते हैं, असी तुहाडे बंदे हाँ, असी बंदे हुए हाँ, असी तुहाडे नौकर हाँ, असी तुहाडे सेवक हाँ, परमेश्वर अपनी मर्जी के नाल सानू ब्लस कर। आमेन। हालेलुया। ये समर्पण साड़ी लाइफ के होना पूरे तरीके ना समर्पण, क्योंकि मरियम नू पता सीगा कि मैं कुआरी हाँ पर फिर भी मैं गर्भवती हाँ। स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा के जरिए आ, ये जन्म जिहड़ा लैण वाला उद्धारकर्ता ते मुक्तिदाता आ। और बाइबल दे विच लिखिया ये जिहड़ा भविष्यवाणियां सीगियां दर्शन के द्वारा पूरिया हो रही सीगियां। और बड़े ध्यान नाल सुनना, जदों असी मत्ती दे विचों पढ़ते हाँ, एक दी भी आयत पढ़ते हैं, बड़े ध्यान नाल सुनना, और मैं तुहानूं सुपने दर्शन के विच जिहड़ा अंतर आ वह भी नाल नाल सिखा रहा हाँ। और ये जिहड़ी दूसरी गल दे विच सारियां गल्लां आनियां, बड़े ध्यान नाल सुनना, जदों मैथ्यू चैप्टर 1:20 असी पढ़ते हैं, इतने लिख्या मत्ती उदा एक अध्याय ते उदी 20 आयत नूं देखदे हां, पर जा वह इन्हां गल्लां दी चिंता विच पिया होया सी तां वेखो प्रभु दे एक दूत ने सुपने विच उहनूं दर्शन दे के कहा, हे यूसुफ दे दाऊद दे पुत्र, अपनी पत्नी नूं मरियम नूं अपने घर लियाण तो ना डर, क्यों जो जिहड़ा उहदी कुख विच है वह पवित्र आत्मा तो है। इत्थे लिख्या स्वर्गदूत ने सुपने दे विच, हालेलुया, उहनूं सुपना आया, यूसुफ नूं सुपने दे विच आके स्वर्गदूत ने कहा कि जो तू खबर सुनी आ, मतलब जिहड़ा तेरा समा बीत चुका, तेरे को खबर आई आ कि जिन्ना तेरी कड़माई हुई वह गर्भवती पाई गई आ माता मरियम, उहनूं घर लियाण तो ना डर। ते सैकंड उहने उहनूं दस्या कि जिहड़ा दर्शन आ, जिहड़ा दर्शन आ वह ये आ कि जिहड़ा उहदी कुख विच है वह उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान यसु मसीह आ। हालेलुया। ये दर्शन सीगा जिहड़ा होण वाला सीगा, जिहड़ा भविख दे विच होण वाला सीगा, ते जिहड़ा सुपना सीगा वह जिहड़ा उहने बीत चुका सीगा, जिहड़ी खबर उह तों आ चुकी सी। ए न्यू खबर किहड़ी सीगी? दर्शन सीगा। अगर तुसीं चाहुंदे हो तुहाडी जीवन दे विच न्यू खबर आवे, नवीं खबर आवे, अच्छी खबर आवे और परमेश्वर दे वलों आवे, तां तुहानूं रिसीव करना पएगा कि सुपने नूं तुसीं देखो, बट सुपने नूं जिहड़ा आ उहनूं दर्शन दे नाल मिक्स ना करो, क्योंकि दर्शन केवल आने वाला भविख है, आने वाला फ्यूचर है। जे लोग आशीष पा रहे आ, जे लोग सीख रहे आ, तां चिल्ला कर मिन्ना हालेलुया बोल के आमीन, खुदा दी वडियाई करिए, रबा शानदा नामा तानी। और क्योंकि पवित्र आत्मा तुहानूं अज छू रहा आ, सुपने ते दर्शन दे विच ये अंतर हुंदा आ। और सुपने जरूरी नहीं सानू बाइबल दे आने आ, साडे घर दे आ सकदे आ, साडी परसनल लाइफ दे आ सकदे आ, साडे साडी जिंदगी दे विच डराने आ सकदे आ, बुरे आ सकदे आ, अच्छे आ सकदे आ, नो प्रॉब्लम। पर खुदावन खुदा सुपनिआं विच दो प्रकार दे समयां नू भेजदा आ, दर्शन दे विच एक समय नू भेजदा आ। इसे करके परमेश्वर ने कहा जिन्हां दे कोल दर्शन नहीं वह लोग बेमुहारे हो जांदे आ। तुहाडे को दर्शन होना चाहिए आ, तुहाडे को टारगेट होना चाहिए आ,
ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓਗੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਦਿਮਾਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਦਰਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਖੁਦ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਆ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਆਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਈਫ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਆ ਆਸ ਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ? ਆਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਰੋਮੀਓ 5:5 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਮਸ ਵਰਡਸ 5:5 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਆਸ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨੰਬਰ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਪਣ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਉਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਰਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਕਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਆਸ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮਰਪਣ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬਦਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਦਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਰਪਣ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਹਿਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਆਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਵਰਡਸ, ਸਟਰੋਂਗ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਨੈਗਟਿਵ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲ, ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲ, ਸਟਰੋਂਗ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇਂਗੀ, ਸਟਰੋਂਗ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਂਗੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਰਕਤ ਪਾਏਂਗੀ, ਸਟਰੋਂਗ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇਗਾ, ਤੂੰ ਅਟੂਟ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਅੱਜ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਜਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਲੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਚਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹੇ, ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ, ਰੈਡੀ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
आस दे विच लैके जाना चाहता, आस तुहानूं कदे शर्मिंदा नहीं आन देगी जिहड़ी परमेश्वर दे उत्ते रखी हुई आ। जे तुसीं किसे इंसान दे उत्ते रखी हुई आ, जां किसे बुत दे उत्ते रखी हुई आ, जां किसे तस्वीर ते रखी हुई आ, जां किसे कह सकदे आ धरती दे उत्ते किसे जानवर ते रखी हुई आ, जां तुसीं अपने किसे घर दे फैमिली मैंबर ते रखी हुई आ, जां किसे चीज़ ते रखी हुई आ, तां भुल जाओ तुहाडी बरकत तुहाडे तक नहीं आएगी। अज ये आस तुहाडी जीवत परमेश्वर ते, जिहड़ा साडी आस नूं पूरा करन वाला परमेश्वर आ, ओदे उत्ते रखी हुई आ। तां नंबर एक साडा जिहड़ा देखिया होया दर्शन आ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਲੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਈਟ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਮਕੀਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆ। ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ? ਯੈਸ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। दर्शन मतलब सेवकाई का बोझ, परमेश्वर के कमां का बोझ। दर्शन मतलब अपने जीवन नू आखरी साथ तक परमेश्वर दे लिए टारगेट बना के दे देना, समर्पण कर देना। साडा शरीर किसे काम आना चाहिए आ, साडा शरीर मिट्टी मिट्टी दे विच मिल जाना। एक दिन बाइबल लिखा, मिट्टी चो निकलिया तू मिट्टी विच मिल जाना, तैनूं दफना दे देना, तैनूं साड़ दिता जाना आ। तेरी मदद किसी ने नहीं करनी, ना तेरे अकाउंट बैलेंस ने, ना तेरे तियां पुत्रां ने, ना तेरी पत्नी ने, ना तेरे पति ने, ना तेरे घराने ने तेरी हैल्प नहीं करनी कि तैनू वह स्वर्ग दे विच छड्डे आण, तैनू वह स्वर्ग दे विच लैके जाण। मैं चाहना जे साडा शरीर तंदुरुस्त आ, जवान आ, हट्टे कट्टे आ, अपनी शरीर नू भी परमेश्वर दे अगे समर्पण करो कि प्रभु मैं तेरे अगे समर्पण कर दी आ। माता मरियम ने की कहा कि मैं प्रभु तेरी बांदी हाँ, जो तू मेरे ना करना चाहना कर, मैं तैयार हाँ, मेरे शरीर नू इस्तेमाल करना आ, उधारकर्ता मुक्तिदाता पैदा होने दे लई मैं रेडी हाँ। आई एम रेडी, कहो अज सारे कि आई एम रेडी। मैं शरीर के द्वारा भी परमेश्वर की सेवा करा, मैं आत्मा के द्वारा परमेश्वर की सेवा करा, मैं आस रखा कि मैं कदे शर्मिंदा नहीं होवांगा। हालेलुया। मैं एक छोटी जी बिच मैनू एक किसी व्यक्ति की टेस्टमनी याद आ रही है, गल याद आ रही है। उन्हें बहुत करजा लिया होया सीगा, उहदे उत्ते करजा सीगा 3-4 लाख रुपए का करजा, ब्याज पै रहा सी उहदा। ते एक दिन वह जो मेरे को आया तो उन्हें प्रार्थना करवाई, पास्टर जी इस तरह है कि मैं सुसाइड कर लेना क्योंकि मेरे तो करजा नहीं भरया जा रहा, मैं अपने जीवन में नाश कर लेना। तो मैं उन्होंने कहा नहीं, तू अपने जीवन में नाश ना कर क्योंकि परमेश्वर चाहता कि तू अपने शरीर नू, अपनी आत्मा नू परमेश्वर दे लिए इस्तेमाल कर। अज तू गरीब है, अज तू कर्जदार है, पर परमेश्वर तैनू ऐदां नहीं रहण देगा, तैनू बाहर कढ़ेगा। तो मैं उहदे वास्ते स्पैशल प्रेयर कीती। तो याद रखो कि एक रात इदा दी आई कि वह सुसाइड करन दे लई अपने कमरे दे विच चले गया, कहिंदा मैं अपने जीवन नू अज नाश कर देना। जदों वह अपने गल दे विच फाहा लैण वाला सीगा तां जो मैं उहनू कहा सीगा उहनू गल याद आई कि पास्टर जी ने कहा सीगा कि तेरा शरीर ते तेरा आत्मा जिहड़ा परमेश्वर दे लई इस्तेमाल होना चाहिए आ। ते उहदियां कन्नां दे विच स्वर्गदूत ने, पवित्र आत्मा ने यह शब्द पाए ते उहने उस समय वह अदा फाहा कढ दिता, उमरिया नहीं, वह उहने समर्पण कर दिता कि मैं जे मरना ही हाँ तो मैं परमेश्वर दे लई कुछ करके मरा, परमेश्वर दे लई जी के मरा। ते उस तो बाद वह लगातार चर्च दे विच आण लगा, आना शुरू कर दिता, प्रभु की सेवा करनी शुरू कर दिती, अपने दुख दे विच भी कष्ट विच प्रेयर शुरू करनी शुरू कर दिती, सारा कुछ होना शुरू हो गया। यकीन करो मैं जो थोनों घटना दस रहा बिल्कुल हकीकत आ। 6 महीने वह परमेश्वर दे लई उन्हें समर्पण किया चलिया, 6 महीने बाद उहदे दादे पड़दादियां दी जिहड़ी जमीन सीगी ਉਹ ਕਿਤੇ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 1,33,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ।
पैसे दे खातर वो अपनी सुसाइड अपना जीवन नाश करन जा रहा सी, पर परमेश्वर दी उन्हें आवाज़ नू सुनिया, खुदा दी आवाज़ नू सुनिया, परमेश्वर दी उन्हें महिमा की, अपने शरीर नू अपनी आत्मा नू उन्हें परमेश्वर दे अगे समर्पण करता। उन्हें कहा मैं मरना ही हाँ, मैं परमेश्वर दे लई कुछ करके मरा, मैं चाहना मेरी बेटी मेरे बेटे अज तुसी समर्पण रखो जिदा माता मरियम ने किया कि जो परमेश्वर तू करना चाहना कर, अपने आप को खड़े करो तो जित देने वाला परमेश्वर है। थानू तीन गल्लां जिहड़ियां मैं अज थानू सिखा रहा, दर्शन समर्पण आस ते विश्वास। तुहाडा विश्वास जिहड़ा स्ट्रोंग हो जाएगा जो तुसी आस रखोगे। आस कदे शर्मिंदा नहीं हो, तू शर्मिंदा नहीं होएगा, तू शर्मिंदे नहीं होएगी, क्योंकि तैनू परमेश्वर एक आस दे विच खड़ा कर रहा। जे तू आस रखेंगी रखेगा, खुदावंद खुदा तेरे नाल होगा, खुदा तेरी फैमिली दे नाल होगा, खुदा तेनू सकलेगा, खुदा तेनू कामयाब करेगा। आमीन, हालेलुया। इस करके तू रेडी रह, समर्पण कर और दर्शन देख, दर्शन देख, दर्शन देख, दर्शन दे नाल भर जा। तू दर्शन दे नाल भरी होनी चाहीदी आ, तू दर्शन दे नाल भरिया होना चाहीदा आ। खुदावंद खुदा तेरे बच्चों नू कामयाब करेगा। और मैं देख रहा कुछ जिहड़े बच्चे तुहाडे पढ़ रहे आ पढ़ाई दे विच वी क्या, अज तू उन्हां दे लई उन्हां दे मत्थिआं दे उत्ते क्रॉस बना ता कि खुदावंद खुदा दे वलों ज्ञान प्राप्ति करके, खुदा दे वलों बुद्धि प्राप्त करके वो ज्ञान पा सकन। हालेलुया, हालेलुया। मैं देख रहा कोई सौरभ आ, परमेश्वर अज उन्हों बरकत दे रहा और उन्हों एक वधिया काम देन जा रहा है, जॉब दी ब्लैसिंग देन जा रहा उन्हों, कितने कितने वो काम करेगा यीशु मसीह दे नाम दे विच। खुदावंद खुदा उन्हों कामयाब कर रहा है। हालेलुया, मेरी बेटे मेरी बेटी अपने आप नूं तैयार कर, रेडी कर, और मैं तेरे वास्ते प्रेयर करन जा रहा। तीन गल्लां जे तेरी लाइफ दे विच आ गईयां, क्योंकि आस ते विश्वास चमत्कार नूं पैदा करदा आ, मिरेकल नूं पैदा करदा आ, गुड न्यूज़ नूं पैदा करदा आ, अच्छी खबर नूं पैदा करदा आ। ते बाइबल दे विच लिखिया ते परमेश्वर जिहड़ा आ दुष्ट आत्मावां नूं शैतान नूं साढ़े तक पहुँचण नहीं दिंदा, सानूं टच नहीं करन दिंदा, साढ़े एक बाउंड्री परमेश्वर बणांदा आ, परमेश्वर एक दायरा साढ़े लिए बनाता है कि इस दायरे तो बाहर तुसी शैतान तुहानू छू नहीं पाएगा। हालेलुया, दुष्ट आत्मा तुहानू छू नहीं पाणगियां, क्योंकि परमेश्वर ने सानू खड़ा किया, परमेश्वर ने सानू कामयाबी लिए खड़ा किया है। हालेलुया, तुसी गरीब रहो परमेश्वर नहीं चाहता, तुसी देणदार रहो नहीं चाहता, तुसी बीमार रहो परमेश्वर नहीं चाहता, तुसी अपने अंदर कमजोरियां रखो परमेश्वर नहीं चाहता। मेरी बेटी आज परमेश्वर चाहता है कि तू उस सेंचे दे विच आ जा, उस कैटागरी दे विच आ जा जिस दे विच परमेश्वर तेनू देखना चाहता है। हालेलुया, अपने आप नू रेडी करो, जल्दी तैयार करो, अपने फैमिली समेत जिते भी तुसी बैठे हो खड़े हो और जिते भी तुसी अपने लैपटॉप फोन दे उत्ते LED दे उत्ते जिते भी आ खुदा दा वचन सुन रहे हो, प्रेयर दे लई तैयार होवो। मैं चाहना मैं तुहाडे प्रेयर करां, जो देख रहे आ जो बाद च भी देखण सुन जा रहे आ उन्हां दी लाइफ दे विच भी खुदावंद खुदा काम करे। मैं हर डेली प्रेयर पूरे दुनिया दे लई करदा आ, कलीसिया लई करदा, शिफा चर्च मिनिस्ट्री लई करदा, और मेरी ड्यूटी परमेश्वर ने लाई हुई है, मैं उस ड्यूटी निभाना, और मैं दर्शन भी देखदा और मैं सुपने भी देखदा आ। परमेश्वर मैनू सुपने भी दिखाता आ, तो परमेश्वर मैनू दर्शन भी दिखाता आ, और सुपन का अनुवाद भी दिखाता आ, तो दर्शन नू किवें असी पूरा करना वह भी दिखाता आ, तो किस टारगेट नू असी पूरा करना, किवें टारगेट नू देखना यह भी परमेश्वर मैनू सिखाता आ। परमेश्वर का आत्मा रोज़ गल करता आ, तो रोज़ नवे प्लैन दिता आ, रोज़ नवी योजनावान दिता आ, रोज़ नवे दर्शन दिता आ, रोज़ नवे नवे सुपन द्वारा मेरे गल करता आ, अते उन्हां नू पूरा करन दे लई परमेश्वर वादा करता आ। परमेश्वर एक टारगेट सानू दिंदा आ, उस टारगेट नू पूरा करना आ। हालेलुया, संत पौलुस दे अगे एक टारगेट सी, उन्हें कहा मैं अपनी दौड़ नू पूरा किया ते मैं सफल होया। अज तुहाडे अगे तुहाडी जिंदगी दी जिहड़े लोग 40 साल दे आ वो जे 40 साल होर जींदे आ तां 40 साल दा टारगेट आ, जिहड़े लोग 60 साल दे आ उन्हां दे कोल भी 20 साल दा टारगेट आ, जिहड़े लोग 30 साल दे आ उन्हां दे कोल भी 50 साल दा टारगेट आ, जिहड़े लोग 20 साल दे आ उन्हां दे कोल भी 60 साल दा जिहड़ा टारगेट आ। और मैं नहीं चाहुंदा कि तुहाडे कोल टारगेट वड्डा जां छोटा होवे, छोटे टारगेट विच भी वड्डे काम कर सकदे हो। हालेलुया, छोटी छोटी उम्र दे विच भी वड्डे काम कर सकदे हो, बड़ी उम्र दे विच भी वड्डे काम कर सकदे हो। रिसीव करो, क्योंकि परमेश्वर तुहानूं छोटे दायरे दे विच नहीं, तुहाडियां बाउंड्रियां, तुहाडे दर्शन नूं, तुहाडे फेथ नूं, तुहाडे विजन नूं
क्लियर करेगा अते दर्शन केवल सेवकाई का नहीं थोड़ी परसनल लाइफ का थोड़ी नौकरी का थोड़े काम का थोड़े हर एक कह सकते हैं एक्टिविटी का थोड़ी दुकान का शॉप का थोड़े पैसे का थोड़ी धन दौलत का थोड़ी जमीन का थोड़े धियां पुत्र का माँ पे का थोड़ी पत्नी का पति का हरेक दर्शन हो सकता थोड़ी सिस्टर का थोड़े ब्रदर का दर्शन जिहड़ा तुसीं हरेक नूं आपे अंदर भर लियो पर वो क्लीयर होना चाहिए धुंधला नहीं होना चाहिए ताकि दूजे भी थोड़े दर्शन देखन। हालेलुया। और तुहानूं पता मैं एक तुहानूं जरूर गल दसना चाहना और मैं जिस जगह ते रहना आ और मेरे पिंड दे लोग मेरे फ्रेंड्स मेरे जिहड़े भी सारे सीगे वो लोग जदों मैनूं देखदे आ जदों मैं अपने गड्डी नूं गेट तो बाहर कढ़दा आ जां गड्डी विच जांदा आ तां उह देख के की कहिंदे आ फादर जी जा रहे हैं। उन्होंने नाम चेंज कर दिता फादर जी जा रहे हैं। उन्होंने मेरा नाम जिहड़ा मैनूं जानदे सीगे फ्रेंड्स जां कोई भी उन्होंने नाम ही चेंज करता फादर जी जा रहे हैं। और फादर जी इस करके कह रहे हैं क्योंकि वो जानदे आ कि ये जीसस क्राइस्ट की सेवा करते हैं। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट नूं मनदे आ ते जीसस क्राइस्ट दे टारगेट नूं पूरा करदे आ ते मनण वाले पिछे नहीं हटन वाले तो इन्हों का टारगेट जीसस आ। हालेलुया। थानू देख के थोड़े दर्शन नूं देख के तो लोग कहन इन्हों के अंदर जीसस का आत्मा आ इन्हों के अंदर जीसस का टारगेट आ। रबा शानदा नामा थानी मेरी बेटी अज तू अपनी बेटिया ले अपने बेटिया ले और अपने मापे के लिए प्रार्थना करना चाहना तो प्रार्थना की हालत के आओ ताकि असं हूँ प्रार्थना में चल सकी। और मैं अज धन्यवाद करदा जे कोई अपना भेंट अपना दिशवांश देना चाहता जे थोड़े कोल आ तां जरूर अपनी मुट्ठी दे विच बंद कर लो अपने हत्थां दे विच उहनूं लै लो ताकि असीं परमेश्वर की सेवकाई दे वास्ते परमेश्वर दे राज नूं वधाउण दे वास्ते अपनी भेंट नूं वक्त कढ सकीए अपने टाइथ नूं वक्त कढ सकीए। और मैं इत्थे लाइव तुहाडे वास्ते इस गल दे लई प्रेयर करना चाहुंदा जिहड़े भी शिफाचत मिनिस्ट्री नूं अपनी भेंट अपनी टाइथ अपना दिशवांच भेज रहे आ भेजन जा रहे आ और जरूर अपने हत्थां दे विच हुण अपनी भेंट लै सकदे आ जे तुहाडे हत्थां दे विच नहीं तां तुसीं अपने मन दे विच अपनी भेंट नूं स्वीकार करो ताकि मैं तुहाडे वास्ते इस गल दे लई भी प्रेयर कर सकां। जिहड़े लोग किसी प्रॉब्लम च आ जां किसी बीमारी च आ जां किसी केस विच फसे होए आ जां किसी नूं कोई इस तरह की प्रॉब्लम चल रही आ कि लगता कि उन्होंने जिहड़ियां नाड़ां आ उह बंद हो रही ब्लॉकेज आ रही आ तो मैं चाहना कि तुसीं भी जे तुसीं किसी नूं जानदे हो मैं देख रहा हाँ कि एक आत्मा नूं मैं देख रहा जिहड़ा इबल स्पिरट आ जिहड़ा कह सकते हैं एक पैरालाइज जिहड़ा हुंदा पैरालाइज दा आत्मा अज यीशु मसीह दे नाम दे विच मैं जांदा होया देख रहा नाड़ां खुलदियां होईयां देख रहा यीशु मसीह दे नाम दे विच पैरालाइज जा रहा यीशु मसीह दे नाम विच। गो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आउट आउट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने आप नूं प्रार्थना दी हालत दे विच लैके आओ जल्दी यीशु मसीह दे नाम विच हर पेन आउट यीशु मसीह दे नाम दे विच पेन बाहर यीशु मसीह दे नाम विच रबा शुद्ध रोमो थानी शुद्ध लोबो हर केस डिसमिस होए यीशु दे नाम विच डिसमिस होए केस यीशु दे नाम विच हर एक मेंटली प्रॉब्लम डिसमिस होए यीशु दे नाम विच फिजिकली प्रॉब्लम डिसमिस करदा मैं यीशु दे नाम विच आउट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आउट मैं बंदा दे यीशु मसीह दे नाम विच बाहर यीशु मसीह दे नाम विच आउट नेम ऑफ जीसस आउट नेम ऑफ जीसस आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हर गुप्त रोग आउट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ओ रबा शांदा नामा थानी हर एक स्टोन पत्थरी आउट बाहर हर एक गिल्टी बारा आउट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ओ रबा शानदा नामा थानी हर एक जकड़ियापन धुंधलापन आउट आउट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आउट यीशु मसीह दे नाम दे विच तेरा हुक्म देना बारा हर एक टीवी कैंसर बारा यीशु मसीह दे नाम विच हर एक एड्स बारा यीशु मसीह दे नाम विच हर एक कमजोरी बारा आउट नेम ऑफ जीसस का यीशु मसीह दे नाम विच करोना नूं बाहर कढ दे यीशु नाम विच जिन्हां नूं करोना होई आ यीशु दे नाम च हील होवो अपनी उम्र नूं यीशु मसीह दे लई जीना शुरू करो यीशु मसीह दे लई अपने शरीर नूं यीशु मसीह दी सेवा लई इस्तेमाल करो
अपने आप नू समर्पण करो मरियम दी तरह, मेरी बेटी मेरे बेटे मरियम दी तरह समर्पण कर, मरियम दी तरह मूसा दी तरह टारगेट रख, यीशु मसीह दी तरह एक अपनी मंजिल नू देख, अपने दायरे नू देख, अपने टारगेट नू पूरा कर। मौत तक तू वफादार रह, जदों तक तेनू मौत नहीं आ जाती उदों तक तू बड़े काम परमेश्वर अपनी लाइफ च देखेगा। तू शर्मिंदा नहीं होवेगा, तू शर्मिंदे नहीं होवेगी यीशु दे नाम दे विच। अज खुदा तेरी शर्मिंदगी नू दूर कर रहा है और परमेश्वर पिता खुदावन खुदा तेनू मुहब्बत करके बाहर कढ रहा है, आउट यीशु मसीह दे नाम दे विच। हर एक अखां दी प्रॉब्लम यीशु नाम च बाहर आए, आउट रबा शानदाना डिस्क दी प्रॉब्लम बाहर आई यीशु नाम विच। मैं देख रहा डिस्क दे विच, मणक्यां विच, रीढ़ दी हड्डी विच जिन्हां दी प्रॉब्लम आ हील हो रहा है यीशु दे नाम विच, चंगे हो रहे हैं। आमीन हालेलुया। ओ रबा शानदा नामा थानी। मैं देख रहा जिन्हां नू चलण फिरने दे विच प्रॉब्लम आ, आ यीशु दा आत्मा नू चंगा कर रहा है। रबा शानदा शुगर दी प्रॉब्लम जा रही आ यीशु दे नाम दे विच। तुहाडियां गिल्टियां सौड़ियां फेल हो रही और जा रही, फिस रही, खत्म हो रही जड़ तो, तुहाडी बॉडी तो निशान खत्म हो रहे आ, इबल स्पिरिट दे काम खत्म हो रहे आ, इबल स्पिरिट छड़ के जा रहा आ। ओ रबा शानदा नामा थानी, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं देख रहा आत्मा दे विच सुरिंदर, परमेश्वर तेनू आशीष दे रहा आ, परमेश्वर तेनू धन दी आशीष दे रहा आ सुरिंदर, हालेलुया। रबा शानदा नामा थानी, शो दो लोबो थीका रामा थीका नामा, शो दो रोबो थीका नामा थीका लामा तिना थीका नामा, शो दो रोबो थानी। कच्चे घर बन रहे हैं यीशु नाम विच पक्के, थानी शो दो लोबो थीका नामा। पवित्र आत्मा का अभिषेक थानू छू रहा है, हर एक बवा थोड़े घर तो थोड़े जिया तो छड़ के जा रही है। आज जेडे समर्पण कर रहे हैं कि मैं नशे नू छड़न जा रहा हाँ जा रही हाँ, अज खुदावन खुदा उन्होंने उन्होंने घर के बच्चे बलस कर रहा है। जिन्हों की पति और पत्नी विच आपस विच नहीं बनती, परमेश्वर आत्मा अज उन्हों मेल करा जा रहा है। मैं देख रहा मेल का आत्मा परमेश्वर थानू दे रहा, वचन दे रहा परमेश्वर का आत्मा थानू। रबा शानदा नामा थानी, शो दो लोबो थी कर रामा थानी। परमेश्वर थोड़िया घर दिया नीहां नू छू रहा है, खुदा का आत्मा नीहां नू छू रहा है। मैं देख रहा आत्मा दे विच खुदावंद खुदा थानू ब्लस कर रहा है। अगर तुसी अपना घर किराए ते दिता होया आ तां परमेश्वर उहदे विच भी बरकत दे रहा है यीशु नाम दे विच। मैं देख रहा हाँ कि थोड़े जीवन दे विच एक दर्शन थोड़ी अखां दे सामने आ रहा है। तुसी एक मजबूत ईमान रखण जा रहे हो, आने वाले जिहड़े थोड़े दो महीने आ तुसी एक स्ट्रोंग ईमान दे विच बदोगे, ते जिहड़ा अज मैं तुहानूं वचन दस रहा आने वाले दो महीनों च इहदा तुसी फल देखोगे, बरकत देखोगे। ये दो महीने थानू थोड़े जीवन के बिच टारगेट मिलेगा, थानू दर्शन मिलेगा, थानू परमेश्वर सुपनिया द्वारा ब्लस करेगा, सुपनिया विच आके थानू गुड न्यूज़ दसेगा। क्योंकि मरियम नू यूसुफ नू गुड न्यूज़ दसी सुपने द्वारा स्वर्गदूत ने आके, अते सुपने द्वारा दसिया कि ये गर्भवती हो चुकी है, अते सुपने द्वारा दसिया कि जो पैदा होने वाला वो दुनिया का उद्धार करता है। परमेश्वर थानू सुपनिया द्वारा ब्लसिंग देन जा रहा है। रबा शानदा नामा थानी, क्योंकि प्रभु का आत्मा सानू हमेशा दर्शन दे नाल भरदा आ। मेरी बेटे मेरी बेठी, अज तेरे जीवन दे विच बदलाव आ रहा है। हर एक एबल स्पिरिट मैं तेनू डांटदा, आउट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बाहर आ यीशु मसीह दे नाम दे विच, बाहर आ यीशु मसीह दे नाम विच, बाहर आ यीशु मसीह दे नाम विच, बाहर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं देख रहा मनदीप खुदावंद खुदा तेरे उत्ते कृपा कर रहा है, हील हो रही हैं यीशु दे नाम दे विच, मनदीप नू परमेश्वर हील कर रहा है। मैं देख रहा सुखचैन खुदावंद खुदा तेरे हाथ दे विच, मैं धन देख रहा हाँ और धन तू अपने परिवार दे लई बरतेगा यीशु दे नाम दे विच। सुखचैन मैं देख रहा तेरे हाथ दे विच धन, ते तू अपने परिवार दे लई इस्तेमाल कर रहा हाँ उन्हूं यीशु नाम विच, हालेलुया, धन्यवाद होली स्पिरिट। मैं देख रहा कोई माता अपने दर्दा तो बड़ी तकलीफ दे विच आ, कोई इस समय ओल्ड लेडीज जड़ी आ, अज खुदा उन्हें छू रहा आ। मैं देख रहा कोई सिस्टर फैक्ट्री दे विच जा रही आ, जॉब दे विच जा रही आ, पर जो उत्थे जांदी आ
ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਆ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਜਾਏਂਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੌਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨਵੀਂ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਬਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮਾ ਥਾ ਨਿਸ਼ੋ ਦੋ ਲੋ ਬੋਤੀਕਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਅਮ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਮੈਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਦਾਫ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਕਮਲਜੀਤ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਦਾਇਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਏਬਲ ਸਪਿਰਿਟ ਉਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ, ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ, ਇੱਕ ਕੰਧ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਮਲਜੀਤ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਬਲ ਸਪਿਰਿਟ, ਕੋਈ ਬਵਾ, ਕੋਈ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਅਗਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੇ ਚੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਰੱਬ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਾਮਾ ਥਾ ਨਿਸ਼ੋ ਦੋ ਲੋਬੋ, ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਪ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਜੋਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕੰਮਾਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੀਲ ਹੋਣ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਣ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਆਸ ਤੋਂ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਆਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਥੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਅਮੈਨ, ਅਮੈਨ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਫਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਿਫਾ ਚਤ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਚਰਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਅੰਦਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਿਮਾ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਔਰ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੇਗੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਗੇ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਔਰ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਟਾਈਥ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਟਾਈਥ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਕਸ਼ਟ ਆਏ, ਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲੋਰਡ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਜੈਮ ਸਿੱਧੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
चर्च दे विच मिलांगे कारगर दे विच और खुदावन खुदा थानू याद करदा थानू उड़ीक करदा आ रेडी होके आना ताकि परमेश्वर दे विच तुसी अगे वध सको। तीन गल्लां नू जरूर याद रखना, दर्शन, समर्पण, इतिहास ते विश्वास। ये थोड़ी लाइफ दे विच हो गए तां समझ लो तुसी जीवन दे आखरी साह तक प्रभु नाल वफादार रहे ते कामयाब हो गए और परमेश्वर तुहानू स्वर्ग लैके जाएगा, धरती दीआं सारीआं जरूरतां पूरीआं करेगा। एवरीथिंग सब कुछ तुहानू परमेश्वर समय सिर मुहैया करावेगा। गॉड ब्लेस यू। जैम सिद्धि, प्रेज द लॉर्ड। खुदा थोड़े नाल आ, कामयाब करे। जैम सिद्धि सबनू।